गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लेसन लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम्स बाय नेल्सन मंडेला. तो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो दैट ही हेल्ड इनॉग्रेशन सेरेमनी. इन दैट सेरेमनी द वर्ल्ड लीडर्स केम्स टू अप्रिसिएट the Nelson Mandela because he was the first black president of South Africa. So a few moments when he pleased as a president, after that he told that a few moments later we all lifted our eyes in awe. Awe means hota hai fear, as a spectacular अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रू कैरीज रोड इन टू परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. तो अब देखिए, मैंने आपको बताया कि उनका ये जो ओपनिंग सेरेमनी था, जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो कहाँ मनाया गया. इसके बाद वहाँ पर क्या था, कुछ ही क्षण बाद आप देखते हो जब बहुत अच्छा कहीं किसी को फ्रीडम मिलता है तो अलग तरीके से जश्न मनाता है. तो यहाँ पर जो है कुछ ही क्षण के बाद जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद वहाँ पर जो जेट्स थे, अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, और जो वहाँ पर आर्मी जो यानी कि ट्रूप यानी कि सोल्जर्स कैरियर्स जो प्लेन थी, वो इतना तेज से और कलरफुल, आप देखते हैं अफ्रीकन फ्लैग देखते होंगे वहाँ पर के ग्रीन रेड इस तरीके कलरफुल होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के क्या थे, जेट्स थे. वो तुरंत वहाँ पर जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हॉल था जहाँ पर ये जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था, वहाँ पर उसके ऊपर जो है ये उड़ने लगे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्सेज, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये सिर्फ क्या था, एक दिखावा था वहाँ पर, बल्कि ये क्या था, एवरीवन वाज इंजॉइंग द लिबर्टी. सभी लोग जो है वह स्वतंत्रता का क्या कर रहे थे, आनंद ले रहे थे. तो वो लोग भी ऐसा, ये नहीं सिर्फ ये दिखाया जा रहा था. आगे उन्होंने बताया कि बट अ डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि या अब यहाँ पर ये उसके थ्रू दिखाया जा रहा था कि अब यहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन पब्लिक है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के पीपल हैं, अब इनका राज्य है, न कि यहाँ पर किसी दूसरे का राज्य है. अब यहाँ पर डेमोक्रेसी चलेगी अब टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, मीन्स एवरीवन कैन इलेक्ट और सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन ओपिनियन. There is no foundation upon anyone. किसी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी foundation नहीं है. They can elect or select according to their opinion. अपने मतानुसार वो किसी को भी जो है ये president के रूप में चुन सकते हैं. Only moments before, अब उन्होंने बताया कुछ क्षण के पहले की बात, उन्होंने कहा कि the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by. अब वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ के जो सोल्जर्स थे, आप देखते होंगे वहाँ पर यहाँ मेडल लगता है इस तरीके से, उनके जो है चेस्ट पर इस तरीके से मेडल जो है चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, और सारे लोग क्या कर रहे थे, सल्यूटेड मी. और उन्होंने क्या किया, सारे लोग आकर के नेल्सन मंडेला को क्या किया, सैल्यूट किया. और यही वो लोग थे, यही वो पुलिस थी, यही आर्मी फोर्सेस थी जो कुछ समय पहले उनका थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी. अगर वो कहीं भी थोड़ी आवाज उठाते थे तो एटवंस दे पुट हिम इनटू द जेल, वो तुरंत उनको कहाँ डाल देते थे, जेल में डाल देते थे. लेकिन आज देखिए ऐसा समय आया है कि एवरीवन, एवरी सोल्जर, एवरी पुलिस इज सैल्यूटिंग, उनको क्या कर रही है, सैल्यूट कर रही है. अब आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और उन्होंने कहा कि अब भी मुझे याद है, ऐसा नहीं कि आई
नेवर फॉरगॉट इट, मैं कभी भी भूल नहीं सकता, कभी भी जिंदगी में। आज भी मुझे याद है कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। पहले कुछ ही समय की, ज्यादा साल पहले की बात नहीं बता रहे हैं, कुछ साल पहले की बात ऐसी है, जब कभी भी मैं कुछ बोलता था तो ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे बंद कर लेते थे, जेल में डाल देते थे। फाइनली चेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और इसके बाद आपने देखा होगा ऐसे जैसे इस तरीके से एक चेवरन होता है, मतलब वो एक अपना अलग तरीके का फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता जो मिलती है, उस तरीके से वो अपना क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मतलब वहाँ पर क्या था, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स वहाँ पर दिखाई देने लगे इस तरीके से, कलरफुल तरीके से। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। अब वहाँ पर कह रहे हैं कि एक ऐसा दिन था कि जहाँ पर वहाँ दो नेशनल एंथम्स जो है गाए जा रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, जो अंग्रेज लोग थे वो कैसा नेशनल एंथम्स गा रहे थे, एनकोसी सिकेले एज अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और वो इस तरीके का नेशनल एंथम्स गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। और देखिए पहले ऐसा, क्योंकि वो फ्रीली गा नहीं सकते थे इसलिए उसका कोई लिरिक नहीं आता था, कोई टोन नहीं आता था, जैसे अभी हम अपना नेशनल एंथम्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं तो एक उसका लिरिक आता है, उसका एक टोन आता है, इस तरीके से उनका उस कोई टोन नहीं था। बाद में जो होता है कि उन्होंने दे वुड सून नो द वर्ड बाय हर्ट, और आफ्टर दैट कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया, इसको हर्टली सिंगिंग करना शुरू किया, तो वहां पर उससे लिरिक निकलनी शुरू कर दी। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, अब कह रहे हैं कि जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी था, आई वॉज ओवरहेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मुझे इतिहास को सुनकर के बहुत ज्यादा खुशी होती थी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो ये जो अंग्रेज लोग थे इन्होंने क्या किया कि जो ब्लैक चमड़ी वाले थे उनके प्रति जो है क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया था, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे, परेशान करते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, अब अधिकतर वो लोग क्या करते थे, अमानवीयता जो है प्रस्तुत करते थे, किसके प्रति, जो डार्क स्किन पीपल थे, जो अश्वेत थे उनके प्रति। और कह रहे नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माय ओन 8th decade एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन, अब कह रहे हैं आज ऐसा समय आया है जहां पर हमारा ये सिस्टम जो है ओवरटर्न्ड फॉरएवर एंड रिप्लेस बाय दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। कह रहे हैं आज ऐसा समय आ गया है कि लोग जो है वो ऐसा नहीं कि ये वाइट स्किन पीपल हैं, ये डार्क स्किन पीपल हैं, अब ये हमारे यहाँ प्रथा कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जब मैं पैदा हुआ था उस समय से लेकर के ये 20वीं शताब्दी के पहले चरण तक चला, इसके बाद ये समाप्त हो गया। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, अब उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो है जो हजारों सैकड़ों लोग थे, मैं उनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंकफुल करता हूँ
जिन्होंने क्या किया, हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपेट, जिनका जिन्होंने जितना भी सहयोग किया हम उनके योगदान को क्या कर सकते हैं, न तो गिन सकते हैं और न तो उनको अदा ही कर सकते हैं। मतलब वो अनपेड है, उसको कभी पे किया नहीं जा सकता। जो भी उन्होंने संघर्ष हमारे साथ किया इस लिबर्टी के लिए, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। अब देखो उन्होंने कहा कि मैं जो है सारे लोगों को, सारे उन अफ्रीकन पैट्रियट्स को, देशभक्तों को जो है एक बार फिर से सैल्यूट करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इस संघर्ष में अपना जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। और आज कुछ लोग जो नहीं हैं, मैं उनका भी तहे दिल से जो है वो धन्यवाद देता हूँ, करता हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। कह रहे हैं कि वो संघर्ष जो उनके साथ था और वो जो समाप्त हो गया, अब एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जहाँ पर ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज फेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। और वो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आई एम इन ट्रबल, मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं उनको सामने से उनको जो है थैंक नहीं बोल पा रहा हूँ, धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूँ, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट है। दे वे आर नॉट एबल टू सी वाट देयर सक्रीफाइस हैड रॉट। और क्योंकि आज वो ये नहीं देख सकते कि जो भी वाट एवर द सक्रीफाइस दे फेस, जो भी उन्होंने बलिदान दिया, आज उसका परिणाम क्या हुआ कि वो आज इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं बहुत ज्यादा पेन्ड हूं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थिट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग उंड इन माई कंट्री। अब देखिए उन्होंने बताया कि जो नॉन रेसियल चीजें उनके देश में प्रचलित हो गई थी, उससे उनके देश को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा और उनके लोगों को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। अब कुछ लोग उस समय जो छोटे थे तब से लेकर के, और जो बाद में बड़े हुए, पहले से थे, संघर्ष स्ट्रगल उन्होंने जो फेस किया, उन सब लोगों ने मिलकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो शताब्दियों तक ये जो अत्याचार उत्पीड़न था एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर, दूसरों के प्रति जो उत्पीड़न था, जो अत्याचार था, अब वो ऐसा नहीं है। अन इंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर थॉम्बस द वॉल्टर सिसुलस द चीप लुथिलिस द यूसुफ द दूस द ब्राम फिशर्स द रॉबर्ट सबस्क्विस ऑफ आवर टाइम। ये उन लोगों के बता रहे हैं कि जो हमारे साथ स्ट्रगल किए, ये सब उनका नाम है जो हमारे समय में इस अफ्रीकन सॉइल को जो है इंडिपेंडेंट करने के लिए जो है स्ट्रगल किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इनका बहुत ज़्यादा जो है योगदान रहा, इसके लिए मैं इन सबको जो है एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। करेज विजडम एंड जेनरासिटी दैट दे आर लाइक मेनी नेवर बी नोन अगेन। कह रहे हैं कि साहस बुद्धि और उदारता जो पहले ऐसा कभी नहीं समझा जाता था, आज वो सब लोग जानेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हो सकता है कि ये जो चीज़ें यहाँ पर हुई वो इन सब लोगों के लिए भी जरूरी हो, क्योंकि माई कंट्री इज अ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। अब उन्होंने बताया नेल्सन मंडेला ने
कि माई अफ्रीकन कंट्री इज़ अ वेरी ग्रेट कंट्री बिकॉज हमारा जो है हमारे पृथ्वी के अंदर जो वरीड दफनाए गए बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जम्स हैं जो हमारे पृथ्वी के अंदर इस साउथ अफ्रीकन धरती पर जो है पाए जाते हैं बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स अ पीपल। और लेकिन वो सब तो है ही है लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने बताया कि ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा धन क्या है हमारे लोग हैं फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स करें ये जो डायमंड्स हैं जो जम्स हैं इनसे बेटर हमारे यहाँ क्या है हमारे लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया जिन्होंने जो है उदारता को देखा बुद्धिमानी दिखाई और साहस प्रकट किया उन अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल करें हैं ये हमारी जो इंडिपेंडेंस है जो हमारी लिबरेटरी है ये किसके द्वारा हमारे जो कॉमरेड्स थे जिन्होंने स्ट्रगल किया दैट आई लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज और इन्हीं के स्ट्रगल से हमको क्या मिला हमने एक सीखा मीनिंग ऑफ करेज। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। उन्होंने उन सभी लोगों को कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति थे जो भी औरतें थी उन्होंने सबका जो है तहे दिल से धन्यवाद दिया क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने विचार इस इंडिपेंडेंस को पाने के लिए प्रस्तुत किया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। अब उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि लोग जो है इतने ज़्यादा प्रताड़ित किए जाते थे लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था बिना किसी गलतियों के अगर वो सिर्फ अपनी एक आवाज़ उठा देते थे जो है इन सब चीज़ों के लिए एक मतलब हमको लिबरेट किया जाए हम अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस स्वतंत्रता के इंडिपेंडेंस को कल्पना को नहीं छोड़ा। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट करे हैं कि हमने जो है इस डर को अपने अंदर नहीं समाया बट द ट्रिम्प ओवर इट बल्कि हमने इस डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। अब अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला वो ऐसा कहना चाहते हैं कि बहादुर लोग वो नहीं होते जिसके अंदर डर नहीं होता है बल्कि बहादुर वो होते हैं कंक्यूर दैट फियर कंक्यूर का मतलब विन जो उस भय पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहादुर लोग डरते नहीं हैं बहादुर लोग तो वो होते हैं जो डरते हैं लेकिन उस डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अफ्रीकन पीपल थे जिनको डराया जाता था परेशान किया जाता था फिर भी वो डरे नहीं बल्कि उस पर विजय प्राप्त किए जिसका रिजल्ट आज ये है कि हम लोग लिबरेट हो गए हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस हिज स्किन करें आज के यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसी की चमड़ी देख करके स्किन को देख करके एक दूसरे से हेट करे आर इज बैकग्राउंड अथवा ऐसा नहीं कि ये गरीब हैं और ये अमीर हैं ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आर इज रिलीजन अथवा धर्म को लेकर के वहाँ पर जो है नफरत हो वहाँ पर जैसे कि ये जो है तुच्छ कास्ट का है और ये उच्च कास्ट का है इस तरीके से भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और आपको बताया भी अगर जिस कंट्री में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं वही आगे बढ़ता है तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट ये जरूरी नहीं है कि लोग नफरत करें नफरत लोग करें लेकिन नफरत के साथ साथ दे कैन बी टॉट टू लव उनको प्रेम भी आना चाहिए। ये सही भी बात है कि अगर आपको जब अच्छा नहीं पता है तो गलत गलत आप बोलते हो ये गलत है लेकिन गलत गलत तब होता है इसका मतलब सही भी है। तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ बताने का प्रयास किया है कि ऐसा नहीं है कि लोग घृणा ना करें लेकिन घृणा के साथ साथ और भी क्या करें लोगों से
प्रेम करें, फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट्स, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर प्रेम जो है ये प्राकृतिक रूप से जो है एक उनका नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो ऑटोमेटिक आता है इसके अपोजिट यानी घृणा की अपेक्षा। घृणा जो है वो नेचुरल नहीं होती है। नेचुरल क्या होता है, लोगों के अंदर प्रेम होता है जो निहित होता है। तो वेन आगे उन्होंने बताया, फॉर इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मतलब उन्होंने क्या किया, बहुत समय ऐसा जेल में व्यतीत किया। वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वे आर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हम लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शुरू कर देते थे, मोमेंट शुरू कर देते थे, आंदोलन शुरू करते थे, तो लोग क्या करते थे, हमको जेल में डाल देते थे। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो हमने क्या किया कि वहाँ पर जो गार्ड था उसके अंदर क्या देखा, ह्यूमैनिटी देखा, मानवता देखा, कि परहैप जस्ट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और यही मेरे लिए क्या था, बहुत ज़्यादा सफिशियंट था कि मैं उसको समझ गया कि इसके अंदर भी क्या है, मानवता है। तो मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट की दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, मतलब मनुष्य के अंदर क्या होता है, मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य के अंदर जो भलाई का है वो क्या है, एक ज्योत की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छिपी तो रहती है लेकिन कभी भी जो है वो बुझती नहीं है। तो ये रियल भी है कि लोगों के अंदर आज भी ह्यूमैनिटी है, लेकिन उस चीज़ को शो करना चाहिए जो हम कर नहीं पाते हैं। तो आपने देखा कि इस लेसन में नेल्सन मंडेला ने बताया कि हाउ वी गॉट द फ्रीडम, कैसे हमने जो है इस अपनी स्वतंत्रता को पाया, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और कोई भी, और उन्होंने ये इसके थ्रू हमको ये सीख भी दी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे एक नागरिक के तौर पर ले लीजिए, और रियल भी है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे एक के करने से कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, अगर एक कमरे में 10 कैंडल जल रही हैं और एक कैंडल उसमें से बुझ जाए, तो जहां पर उस कैंडल का उजाला रहता है वहां पर थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं कंप्लीटली अंधेरा हो जाएगा, लेकिन उस कैंडल की रोशनी जहां तक जा रही थी वहां पर थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। मोमबत्तियां तो सारी कैंडल्स तो जल ही रही हैं। तो हर व्यक्ति अपना अपना योगदान दे, ऐसा नहीं है कि कोई ये बोले कि मेरे सिर्फ करने से नहीं, आप एक अकेला ऐसा करेंगे तो सबके अंदर ऐसी भावना आएगी। अगर कोई सामने वाला ऐसा करता है, आपने ये मूवी देखा होगा सलमान खान की, जो उन्होंने कहा कि सिर्फ क्या करिए, तीन की मदद कीजिए तो हम जो है बहुत आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे अंदर ये चीज़ें रहेगी, मतलब जो एपिथाइट की चीज़ें रहेगी, जातिवादता रहेगी, रंग भेद रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड देख करके हम किसी से अफेक्शन करेंगे, तो ये नहीं, ये अगर जब करेंगे तो कोई भी घर, कोई भी परिवार या कोई भी देश तब तक आगे बढ़ नहीं सकता, तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक ये लोगों के अंदर रहेगा। तो अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लेट इट बिलीव, इसको लेट गो करिए, छोड़ दीजिए इसको। थैंक यू, दैट्स ऑल।